Assalamualaikum viewers, this is Shahrukh Awan from Daily Money News. As you know that our organization or magazine or newspaper is highlighting those personalities who have been highly professional and they are doing their job quite diligently. They have been emerged as the most professional officers of police department. Today we have a special guest and that is Mr. DSP Nazimabad, non-Nazimabad branch. And we are going to conduct an interview from him. Let's ask a few questions from him and get to know his views. Assalamu alaikum, sir. Wa alaikum assalam. Sir, thank you so much for your precious time. You have taken the interview. Sir, my first question is, how many years have you served in the police department? About 30-31 years. Yeah, 30-31 years. That's a big time. Sir, tell us a little bit about आपके एक्सपोजर के बारे में कह रहे के बारे में कौन कौन से आप डिस्ट्रिक्ट और पुलिस स्टेशन में अभी तक सर्व कर चुके हैं अराउंड द कराची और सेम जी मैंने तकरीबन पूरे कराची में तो किया है सवाए सिटी डिस्ट्रिक्ट के और सिम इंटीरियर के अंदर मैंने घोटकी में किया है सर सखर में किया है और लास्ट में मैं चामशोरों से फिर यहाँ शिफ्ट हुआ सर थोड़ा सा बताइएगा कि हम बात करते हैं सर क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन के हवाले से सर क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन यूनिट्स जो है हमारे फॉरेंसिक यूनिट्स हैं उसमें आप क्या समझते हैं कहाँ कहाँ डेवलपमेंट की जरूरत है क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम प्रोक्यूरमेंट्स को पकड़ते हैं और उनको कैश करते हैं तो हमारे लिए ये चीज़ें काफ़ी साबित कदम साबित हो सकती हैं देखिए इस पर हमारे सीनियर्स ने बड़ा काम किया है खासतौर पर हमारे एडिशनल आई जी जो रिसेंटली गुलाम नबी मेहमान साहब है उसने इस चीज़ पे बड़ी तवज्जो दी हुई है और उन्होंने मैं बहुत सी चीज़ों में भी फैसिलिटेट भी करवाया है जैसे कॉल रिकॉर्डिंग सिस्टम होता है या क्रिमिनल्स की जो नंबर्स हमें मिल जाते हैं तो हम आगे वो फॉरवर्ड कर देते हैं वो हमें वहाँ से उनकी वॉइस रिकॉर्डिंग मिल जाती है उनकी पूरी प्लानिंग का हमें पता चल जाता है कि भाई क्या उनके फर्दर प्रोग्राम क्या बना रहे हैं फॉर क्राइम के लिए ये रही क्राइम सीन के लिए सबसे बेस्ट वे यही है अगर ऑन द स्पॉट कोई भी आईओ पहुंचता है और वहीं उस क्राइम को देखता है उसको इस चीज़ का पता चल जाता है कि ये क्राइम किस नोयत का है और किसने किया होगा किस कौन सी गैंग इसमें इन्वॉल्व हो सकती है अगर कोई प्रोफेशनल पुलिस ऑफिसर है वो जाए ऑन द स्पॉट और वहाँ जाके सर्वे करे उसको विजिट करे स्पॉट को वहाँ से एविडेंस कलेक्ट करे इन चीज़ों को क्राइम सीन में ले जाए सर क्रीम स्ट्रीट क्राइम हमारे जो कराची का है ख़ास तौर पे बहुत ही एक क्रूशल इशू रहा है उसके हवाले से थोड़ा सा बताएं सर इसको कंट्रोल करने के लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि मुमकिन तौर पर कभी तेज़ हो जाता है कभी काबू में आ जाता है फिर तेज़ हो जाता है फिर काबू में आ जाता है उसके हवाले से थोड़ा सा बताएं अच्छा इसमें जो मैंने देखा है कराची की डायमेंशन को कि यहाँ पर जो ड्रग यूज़ करते हैं जी जो ख़ास तौर पर मुंशियात के अंदर इन्वॉल्व हैं वो इस क्राइम के अंदर हैं कि उनको ड्रग को अपने चीज़ों को पूरा करने के लिए पैसे चाहिए होते हैं वो किसी न किसी तरीके से वो ये वादा करते हैं रही बात क्राइम की मेरे ख्याल में मैं तो पूरी यूरोप में भी मैंने काफ़ी टाइम गुजारा है और मैं अमेरिका में भी रहकर आया हूँ तो वहाँ पर क्राइम कोई बड़ी बात नहीं है मेन चीज़ होती है क्राइम को डिटेक्ट करना अगर क्राइम हो जाए तो वो इस चीज़ को क्या नहीं करते हैं वो बोलते हैं इट्स ओके मगर वो उसको ट्रेस करते हैं उसके पीछे जाते हैं क्राइम के पीछे जाते हैं और क्रिमिनल को जाकर कैच करते हैं हम लोग भी यही है तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह जब से हम डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में आए हैं हमारे एसएसपी साहब ने बड़ी इसी तरफ तवज्जो दी हुई है कि ठीक है क्राइम हो जाना कोई बड़ा इशू नहीं है मगर क्राइम को डिटेक्ट करें इसीलिए आज से हमारी जो भी एसएचओज हैं वो तकरीबन महीने में 2-4 गैंग बस्ट करते ही करते हैं सर आईजी कलीम इमाम साहब ने आईटी लैब्स का इंट्रोडक्शन करवाया है काफ़ी मॉडल थानों में और भी वैसे भी नॉर्मल पुलिस स्टेशन में सर उसके बारे में थोड़ा सा बताएं देखिए मेरे ख्याल में मेरी पूरी करियर के अंदर इस जैसा आईजी मैंने नहीं देखा है जिस तरीके से उन्होंने पुलिस के लिए काम किया है पुलिस के वेलफेयर के लिए काम किया है अभी रिसेंटली उन्होंने पुलिस डिपार्टमेंट के पुलिस वालों को मेडिकल फैसिलिटेट करवाने के लिए इंश्योर करवाया है आई होप सो के ऐसे आई जी हमें चाहिए और इनको मुस्तकिल रहना चाहिए और इनको यही काम करने दिया जाए थैंक यू सो मच ये थे हमारे साथ एसडीपीओ आगा असगर अली पठान साहब और मैं आपका वो शाहरुख अवान आपसे इजाजत चाहता हूँ सेशन तक के लिए डोंट फॉरगेट टू कमेंट लाइक शेयर और पोस्ट अल्लाह हाफिज़